हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि इम्तहान का है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके वो वीडियो देखें। राइट, अगर वीडियो पसंद आता हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा पसंद आता हो कमेंट करें। आज अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें आज साइंस से क्वेश्चंस की शुरुआत है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग उपकरणों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो एंटी सॉफ्ट लिफ्टिंग उपकरण में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है मॉल की सुरक्षा के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कौन सा उपकरण किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो ये मापता है आपका ओडोमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलरेशन मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, अल्टीमीटर ऊंचाई मेजर करता है। अनंगताल झील किस राज्य के केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अनंगताल, तो अनंगताल झील दक्षिणी दिल्ली में अवस्थित है दोस्तों। और हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने इस झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। और इस झील का निर्माण जो है तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था। याद रखेंगे 1060 ईस्वी में तोमर के राजा थे एक अनंगपाल, उन्हीं के नाम पर यह झील बनाया गया है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस झील को अनंगताल झील कहते हैं। और एक यहाँ है दक्षिणी दिल्ली में है। कवार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कवार जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है, और किश्तवाड़ जिले में पड़ता है ये। 540 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है ये। सही आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब रिवर जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे तो बल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, एक धक्का या खिंचाव या द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन या आवेशित कणों की गति या कार्य करने की क्षमता। सबको पता होगा कि बल क्या होता है, धक्का या खिंचाव होता है। एक धनात्मक आवेश व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? मान लो कि ये आपका एक धनात्मक आवेश है, और मान लो यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और ये जो है ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो आप रूल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि हमारे पास धनात्मक आवेश आ रहा है, इसलिए धारा भी आवेश की दिशा में ही होगी। अतः दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम क्या होगी? वामावर्त होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको कौन सा रूल लगाना है यहाँ पर? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, मतलब आप इसको हाथ से पकड़िए ऐसे, तो इस तरफ अंगूठा होगा और इस तरफ आप पकड़िए, इसको ग्रैब करिए, ठीक है। ये क्या होगा? ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये क्या हो गया? ये वामावर्त हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का अधिकतम एवं न्यूनतम वार्षिक तापमान क्रमशः निम्न होती है? उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान जो है वो लगभग 5 से 33 डिग्री के बीच रहता है, और महासागरीय जल का सतह का औसत दैनिक तापमान में अंतर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर जो अधिक होता है, और न्यूनतम तापमान जो है वो फरवरी में और अधिकतम तापमान अगस्त में मेजर किया जाता है। तो पहले अधिकतम और न्यूनतम, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पन्ना तथा गोलकुंडा प्रसिद्ध खाने हीरों के लिए विख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? दोस्तों, ये विंध्यन कॉन्ग्लोमेरेट से रिलेटेड है, ये विंध्यन कॉन्ग्लोमेरेट से रिलेटेड है। कौन कौन? पन्ना और गोलकुंडा, ठीक है। आपको पता होगा कि ये दोनों, पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में, आपका कर्नाटक में है, ये के खान बड़े ही फेमस हैं। तो ये किस तरह की चट्टाने हैं? तो विंध्यन कॉन्ग्लोमेरेट से है ये। ठीक है, विंध्यन शैलों से ही कौन कौन से महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई हैं, जैसे मैं कुछ का नाम बता देता हूँ आपको। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, अजमेर का किला, सिकंदरा और फतेहपुर सिकरी
निर्माण हुआ है, ये सब विंध्य पर्वत से ही निर्माण हुए हैं। और ये आपको मिर्जापुर में जो फोर्ट है मिर्जापुर का, वहीं से पत्थरों को काट कर ले जाया गया है और फिर बनाया गया है इन इमारतों को। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज प्रक्रिया होती है, यानी कि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज प्रक्रिया क्या होता है, तो विकिरण होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसार 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से होता है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। टेलीग्राफ पठार उत्तर अटलांटिक कटक का एक भाग है, या उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित सागरीय कटक है, या मध्य अटलांटिक कटक का ऊपरी भाग है। टेलीग्राफ पठार दक्षिणी ग्रीनलैंड के समीप है, याद रखेंगे ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के ग्रीनलैंड द्वीप है, उसी के आसपास है, 55 डिग्री उत्तर पास स्थित है ये। अगर ये भी पूछता है तो अभी आप याद रखेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, तो ये होती है उपभू के समय, जब चंद्रमा के अपने निकटतम बिंदु पर होता है, तो इसे उपभू कहते हैं। आपने पेरेजी और अपोजी का नाम सुना होगा, तो पेरेजी में सबसे नज़दीक होता है, अपोजी में सबसे दूर होता है, ठीक है। जब एक पूर्ण चंद्रमा एक उपभू के साथ होता है, तो इसे सुपर मून कहा जाता है। जब दिन और रात की अवधि समान हो जाती है, तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, शुभ कहते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, उपभू, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है, भ्रंश घाटी बनाने वालों में आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों भ्रंश घाटियों से होकर के ही बहती हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर भड़ोच के निकट अरब सागर की खाड़ी खंभात में जा गिरता है। तो 12 का क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी नर्मदा और ताप्ती। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, आई थिंक सबको पता होगा कि कश्मीर हिमालय की ये संरचना है, करेवा घाटी वहाँ बहुत पाई जाती है। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव होता है। करेवा जफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, आपको बताना है जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र क्या होता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसमें। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नागपुर में, और ये जो है CSIR का एक उपक्रम है, आपको ये भी याद रखना है कहाँ पर है ये, नागपुर में। अब आपको राज्य और ऊर्जा केंद्र आपको मिलाना है, तो देखिए काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात के सूरत में है, ठीक है, और ये जो स्टेशन है 6 मई 1993 को शुरू किया गया था। सुमेलित कौन नहीं है, तीसरा सुमेलित नहीं है, काकरापाड़ा कहाँ पर है, गुजरात में है, बाकी कर्नाटक कहेगा ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में है, सही है। इसी तैरती हुई वस्तु को स्थिर संतुलन में रखने के लिए उसका उत्प्लावन केंद्र क्या होना चाहिए, तो उसका एक तैरते हुए पिंड को किसी स्थिर संतुलन में रखने के लिए उछाल केंद्र गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के ऊपर स्थित हो, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग होते हैं, ये पूछा है आपसे, कौन कौन, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय, ठीक है, आपके 6 हो गए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में है, 6 अक्टूबर, और सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 है, और हाल फिलहाल में जो शामिल होने वाला देश था वो कौन था, दक्षिणी सूडान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाइयों का सही क्रम क्या है, सही क्रम आपको बताना है, ज़्यादा बांग्लादेश 4000 किलोमीटर, चीन 3400 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान 3300 किलोमीटर, बाद नेपाल 1700, उसके बाद म्यांमार 1600, पाकिस्तान 600-700 के करीब, और अफगानिस्तान 1 किलोमीटर। 17 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, क्योंकि बांग्लादेश इसमें नहीं है और चीन भी नहीं है। रीगा किस देश की राजधानी है, तो ये हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा था, तो ये लातविया की राजधानी है,
रीगा, इस देश की मुद्रा क्या है? यूरो है, और ये यूरोपियन कंट्री में आता है। लातविया की राजधानी क्या है? पायस को किस प्रकार के अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों पायस को पायस ब्राउनी गति और टिंडल भाव दर्शाता है। पायस को गर्म, ठंडा और उपकेंद्रण अवयवी द्रव तोड़ा जा सकता है। तो इसका 23 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सब गर्म करके, ठंडा करके उपकेंद्रण द्वारा। लिखित में से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तालाब के स्पष्ट और वास्तविक गहराई के बीच का अंतर, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह नहीं होता। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को दोस्तों हर साल टाइगर शिखर सम्मेलन, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान 2010 में अपनी शुरुआत के बाद से हर साल 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब? 29 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। और विश्व शांति दिवस की कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आई थिंक हर किसी को पता होगा कि ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। सदस्य देशों की संख्या 30 है, नाटो में 30 देश हैं, और हाल ही में एक फिनलैंड जो है शामिल होने वाला है, 30 बना है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ। इसी परमाणु एक में प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 12 और 11 कितना? 23 होता है। राइट आंसर सा है, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम के नाभिक का इस्तेमाल किया गया था। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो होता है द्रव्यमान संख्या 4 होती है, परमाणु संख्या 2 होती है। ये हीलियम आपका का इस्तेमाल रदरफोर्ड ने अपने अरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया था। राइट दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कपड़ों पर लगे स्याही के धब्बे को हटाने में किया जाता है? तो किया जाता है ऑक्जैलिक एसिड का। ये आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से किस प्रकृति प्रतिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में अपघटन प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है? तो AgBr जो है अर्जेंटम ब्रोमाइड ये टूट करके Ag+Br में कन्वर्ट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम का स्राव नहीं करता है? तो ग्रास नली कोई नहीं करता है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रास नली। आगे बढ़ेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 समर्पित था, इसके लिए समर्पित था दोस्तों अफगान लड़की और महिलाओं के लिए समर्पित। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो एक शोधकर्ता सफ़ेद रंग का बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण दर्शाता है? दोस्तों ये दर्शाता है आपका राइट आंसर बी जाएगा, HCl+ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम क्लोराइड प्लस H2O बनता है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 क्लासिक कोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कोरबा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड है, भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से ये बन रहा है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा उत्तर प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है, इस सड़क का नाम क्या है? तो इस सड़क का नाम है दोस्तों लिकारू मिगला चे रोड। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो लद्दाख में हानले के करीब, आपको पता होगा कि पूर्वी लद्दाख में हानले एक है जगह, वो दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लिकारू मिगला फुकचे सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को पता होगा, 46% होता है। निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये होता है दोस्तों 1 और 2 यानी कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा में। आगे बढ़ेंगे तो भारत का पहला ठोस अवशिष्ट आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी पुणे में। ठीक है, पुणे में देश का पहला ठोस अवशिष्ट आधारित हाइड्रोजन संयंत्र 430 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है। और ये प्लांट जो है रिलायंस लिमिटेड यानी कि बनाया जाएगा और पुणे 30 साल का लंबा ये इनकी साझेदारी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा किए गए नवीनतम ऑडिट में भारतीय नागरिक उड्डयन प्रणाली की रैंकिंग क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा, 55वां। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला पहला नाटो देश कौन बना था, तो ये पोलैंड बना था, पोलैंड ने सबसे पहले यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिया था। इसी के साथ स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा की थी। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास ये कहाँ किया गया है, रोपवे का शिलान्यास जो है वो वाराणसी में किया गया है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 मार्च 2023 को किया गया था इस रोपवे, वाराणसी कैंट स्टेशन से वो दौलिया के मध्य संचालित की जाएगी। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस रोपवे के लगभग 145 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्तीय वर्ष कितनी राशि तक का कोई भी भुगतान उदारीकृत प्रेषण योजना यानी कि LRS से बाहर रखा जाएगा, ये 7 लाख रुपए तक, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिवस और उसके थीम आपको दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो देखिए 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस मनाया गया था और इसका थीम क्या था, हेरिटेज चेंजेज, जबकि इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट थीम के साथ पृथ्वी दिवस 2022 को मनाया गया। तो अन्य युग्म क्या है, A+B+C सही है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये गलत है, यानी कि विश्व धरोहर दिवस का थीम ये नहीं था, ये थीम किसका था, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ये था पृथ्वी दिवस का, और धरोहर दिवस का हेरिटेज था। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ और गतिशील और पारदर्शी बनाना है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2022-23 में रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार कितने प्रतिशत बढ़कर के 794.64 टन हो गया है, 45 का सी हो जाएगा, 4.5% ये बढ़ा है RBI का स्वर्ण भंडार। आगे बढ़ेंगे तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों को एक नए ऑपरेटिव सिस्टम के साथ चलाने का निर्णय लिया है जो एंड पॉइंट एंटी मालवेयर और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के साथ आता है, इस एंटी मालवेयर और एंटी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, 41 का राइट आंसर है दोस्तों, चक्रव्यूह। रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटरों में माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने का निर्णय लिया है, माया OS में चक्रव्यूह एंड पॉइंट एंटी मालवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये राइट आंसर सी। भगवा किस्म जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निर्यात किया गया था, किस्म किसका है, यानी कि भगवा किस्म किसका है, तो ये है अनार का, ये महाराष्ट्र से उत्पादित किया जाता है और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट सामग्री वाला अनार होता है ये। भारतीय सेना के स्वदेशी रूप से विकसित विपन लोकेटिंग रडार माउंटेन यानी कि WLRM का नाम क्या है, वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन्स, ठीक है, 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका नाम क्या, स्वाति है, ISF इंडियन
स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य का आप सही क्रम सजाइए। देखिए क्षेत्रवार मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। अगर भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का नंबर आता था। 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 का 15वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया था भारत और मंगोलिया के बीच 17 से 1 जुलाई के बीच। 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अदिति गोपीचंद जो हाल ही में खबरों में थी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारतीय तीरंदाज है अदिति गोपीचंद। ये कोलंबिया में तीरंदाजी विश्व कप का चरण के दौरान 32 एरो कंपाउंड क्वालिफिकेशन अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 50 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये तीरंदाजी से रिलेटेड है अदिति गोपीचंद। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अदिति अशोक जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है, तो उनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। वृक द्वारा उत्सर्जन के अलावा निम्न में से कौन से कार्य किए जाते हैं? तो वृक जो है ये परासरणियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन की वो प्रक्रिया होती है जो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करके रक्त की सांद्रता और ऑस्मोटिक दबाव को करता है। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 40। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें बाह्य और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। तो इसके हाथ और पांव और सिर में आंतरिक कंकाल तथा शेष शरीर में बाह्य कंकाल होता है। कुत्ता बिल्ली मानव में आंतरिक कंकाल होता है और फेफड़ा चींटी मकड़ी चट्टा में बाह्य कंकाल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछुआ। आगे बढ़ेंगे, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रेशम के कीड़े इन पर पलते हैं तो मलबरी के ऊपर पलते हैं। राइट आंसर 52 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किसके जीव द्रव्य में होता है? तो केचुआ के जीव द्रव्य में होता है। राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की सबसे मोटी पेशीय दीवार किस वक्ष में, किस कक्ष में पाई जाती है? सबसे मोटी दीवार तो ये पाया जाता है बायां निलय से। रक्त वाहिकाओं के सबसे बड़े नेटवर्क में रक्त पंप करना होता है और हृदय के किसी भी अन्य कक्ष की तुलना में अधिक प्रतिरोध के बावजूद रक्त पंप करना होता है, इसलिए बायां निलय में सबसे मोटी मांसपेशियों की दीवार होती है। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गाय की एक नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? अमृत महल महसाना भैंस की है, अमृत महल गाय की है, महसाना किसकी है? बफेलो की। और बीटल जो है दोस्तों ये बकरी का है, ये और पुगल जो है ये भेड़ का है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53, मुंबई के बाद भारत का कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। हित में से किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 खिलाड़ी किसमें होते हैं? कबड्डी में होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी किसमें होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं। तो याद रखेंगे वॉलीबॉल में ज्यादा होते हैं, बास्केटबॉल में कम होते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में हुई थी। URL का मतलब क्या होता है? तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाएगा। मुगल बादशाह अंग्रेज औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये दाऊद खान कुरैशी को किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन
सी हो जाएगा। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खान कुरैशी जो कि 1659 से 64 ईस्वी तक ये बिहार का सूबेदार था, दाऊद खां के बाद 1665 ईस्वी में लश्कर खां बिहार का सूबेदार बना था। औरंगजेब के तीसरे पुत्र शाहजादा आजम 1677 में कुछ समय के लिए बिहार के सूबेदारी इनको दी गई थी। और औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र शाहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था, जिसने पटना का नाम अजीमाबाद दिया था और एक नया शहर भी बसाया था अजीमाबाद। नागर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रमुख क्या है? तो भारतीय मंदिरों की ये वास्तु शैली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? भारत क्रांति की माँ भिखाजी कामा को जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। वो भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी और मैडम भिखाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी भी रही थी। अगस्त प्रस्तावों की घोषणा लॉर्ड लिलिथगो ने कब किया था? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा जो है ये 8 अगस्त 1940 को किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें क्या क्या कहा गया था ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकार काउंसिल के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाए, युद्ध संबंधी विषयों पर विचार है तो युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाए, युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर उसके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड। राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, पलहन के राज तरंग किस राज्य का वर्णन काश्मीर का मिलता है? अब आपको जगह और उसके खोजकर्ता को मिलान करना है। चानहुदड़ो अर्नेस्ट मैके, चानहुदड़ो के कौन हो जाएंगे? अर्नेस्ट मैके हो जाएंगे। कोट दीजी के फजल अहमद खान हो जाएंगे। सुक्तजेंदर के कौन होंगे? ऑरेन ऑस्टीन हो जाएंगे, ऑरेन ऑस्टीन। और रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किस बौद्ध पवित्र स्थान में जातकों को चित्रों के माध्यम से चित्रित किया गया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजंता गुफाओं में। गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की थी? तो ये किया था 1904 ईस्वी में। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप सबको पता होगा कि ऋषभ देव है। 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो गवर्नर जनरल और उनके समय का मिलान करिए। तो सर जॉन सोर, ये जॉन सोर कब थे? 1793 से 98 के बीच थे, तो इसका हो जाएगा सेकंड। लॉर्ड कार्नवालिस आपका 1786 से 93 के बीच थे। और वारेन हेस्टिंग्स दो थे, देखो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 1813 से, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं ये 1813 से 1823 के बीच हैं। और लॉर्ड कैनिंग सबको पता होगा 1858 से 1862 के बीच हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का सी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप सबसे पहले किसने लागू किया था? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सबसे पहले पूछता है आपसे कि 1799 के तहत लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था और 1818 में समाप्त कर दिया गया था। 1878 में देशी प्रेस अधिनियम द्वारा पारित किया गया, जिसे भारतीय पत्रिकाओं पर नियंत्रण कहा गया। इस नियम के कारण बांग्ला में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका का अब प्रकाशन किया जाने लगा था। किसने मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो तिलक ने 1916 में पुणे में किया था। ठीक है, एनी परसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया था वो कौन था? तो वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। और सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो औरंगजेब का सर्वप्रथम युद्ध योरछा के जुझर सिंह के विरुद्ध हुआ था और औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ, इसे जिंदावीर भी कहते हैं। औरंगजेब ने जहां आरा को सहिबात उज जमारी की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट कब पारित, भारत में कब लाया गया था रॉलेट एक्ट? तो 1919 ईस्वी में लाया गया था, ये सबको पता होगा।
अभी या कभी नहीं, क्या हमें हमेशा के लिए जीना है या नष्ट हो जाना है, शीर्षक वाले पंपलेट में पाकिस्तान के विचार को किसने आवाज़ दी थी? तो ये आवाज़ दी थी चौधरी रहमत अली द्वारा, लिखा गया था 28 जनवरी 1933 को। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्पी का विट्ठल स्वामी मंदिर ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों देवराय द्वितीय ने 15वीं शताब्दी में, और ये एक भगवान कृष्ण को समर्पित है। 78 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवराय द्वितीय। और इस मंदिर के ज्यादातर भागों का विस्तार कृष्ण देवराय के शासनकाल में हुआ है। किसी देश की राष्ट्रीय आय की दी गई अवधि में निम्न में से किसके बराबर होती है? तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में किन आयामों को शामिल नहीं किया जाता है? तो जिन आयामों को शामिल नहीं किया जाता है उनमें महिला सुरक्षा है। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किसी सूची में किया गया है? किस सूची में किया गया है? तो समवर्ती सूची में किया गया है। सही आंसर सी हो जाएगा। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो कहाँ लाई गई थी दोस्तों? तो ये अलाई दरवाजा में लाई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ तीनों दरवाजे के नुकीले मेहराब है जो घोड़े की नाल के आकार में बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? ये आपसे पूछता है कितने जल मार्ग हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 111 जल मार्ग हैं अभी, अंतर्देशीय जल मार्ग हैं। और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 12 अप्रैल 2016 को लागू हुए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्ग है, 5 मौजूदा और 106 नए हैं को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत का प्रथम पेमेंट बैंक किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो एयरटेल के द्वारा स्थापित किया गया था। ग्राम कचहरी के कार्यवाहियों का अभिलेख के निरीक्षण का अधिकार किसको प्राप्त किया दिया गया है? तो ये जिलाधिकारी को दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। संवैधानिक मामलों के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीशों का पीठ गठित किया जाता है? तो न्यूनतम पूछ रहा है आपसे। तो संवैधानिक मामलों में न्यूनतम 5 न्यायाधीशों का गठित किया जाता है जिसमें से फैसला बहुमत या सर्वसम्मति से होता है। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यूनतम 5 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ब्लू कॉलर जॉब का संबंध किस सेक्टर से होता है? तो ब्लू कॉलर जॉब का संबंध द्वितीय सेक्टर से होता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। सामान्यतः द्वितीय क्षेत्र के संबंध ऐसे श्रमिकों को जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब कहलाता है। संविधान सभा किस सदस्य ने सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को किए थे इन्होंने। और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किन भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 95 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 71वें में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से मैथ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो थोड़ा मैं पहले जीएस वाला कर लेता हूँ। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भंग नहीं माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरुबाड़ी वाद में। 91 का ए है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हुआ था 1960 में बेरुबरी केस, केशवानंद 1973 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा में सदस्यता के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकतर कितने सांसद भाग ले सकते हैं? तो ये 776 ले सकते हैं, लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233। ठीक है दोस्तों, अब 96 से 100 तक 5 आपको सीसेट के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर जिनको प्रॉब्लम होती हो हम उनको आंसर बता देंगे। 96 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 97 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 98 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, और 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 का राइट आंसर सी है।
तो दोस्तों ये था हमारा टेस्ट नंबर 6। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारा पिछले वीडियो भी देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एनी बसेंट।